हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैग वॉम के। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोग अपने सैमसंग गैलेक्सी M13 के फ़ोन में ब्लैक लिस्ट में नंबर ऐड कैसे करेंगे और ब्लैक लिस्ट से नंबर डिलीट करना है डिलीट कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको फ़ोन डायलर ओपन करना है। इसके बाद राइट साइड ऊपर की तरफ 3 डॉट दिखाई देगा, 3 डॉट पर आपको क्लिक करना है। सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, सेटिंग के ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर सबसे ऊपर आप लोग देखेंगे ब्लॉक नंबर का ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल जाता है। सिंपली आप लोगों को ब्लॉक नंबर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और जैसे ही आप लोग ब्लॉक नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहां पे आप लोगों को कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है। और फाइनली सबसे ऊपर है ब्लॉक अनोन प्राइवेट नंबर। अगर ये ऑन रहेगा तो जो भी प्राइवेट नंबर रहेगा, अनोन नंबर रहेगा, उस नंबर से कोई भी कॉल नहीं आएगी, इसलिए आप लोग इसको बंद कर दीजिए। ओके दोस्तों, अगर इसको बंद कर देंगे तो अच्छा रहेगा। और नीचे वाले जो कॉलर आईडी एंड स्पैम प्रोटेक्शन है, इसको ऑन करना चाहते हैं तो ऑन कर सकते हैं। जो भी स्पैम कॉल रहती है वो आपके नंबर पर नहीं आएगी। और नीचे ब्लॉक स्पैम एंड स्कैम कॉल्स है, इस पर क्लिक कर देंगे, जो भी स्पैम और स्कैम वाली कॉल होती है वो ब्लॉक हो जाएंगी। और यहाँ पे ऐड मोबाइल नंबर है, इस पर क्लिक करके किसी भी नंबर को आप ब्लैक लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं। और कॉन्टैक्ट का ऑप्शन है, इस पर भी क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। प्लस का बटन है, इस पर भी क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे आप अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में चले आएंगे। जो भी नंबर ऐड करना चाहते हैं सेलेक्ट कर लेंगे, नीचे डन का ऑप्शन क्लिक कर देंगे। अब ये सभी नंबर ब्लैक लिस्ट में ऐड हो जाते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं आप लोग। और इनको निकालना चाहते हैं तो माइनस का बटन है यहाँ पर देख सकते हैं बना हुआ, इस पर क्लिक कर देंगे, ये नंबर आपके जो ब्लैक लिस्ट से निकल जाता है, डिलीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगे दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें।